दोस्तों, कारोबार रिस्क के हसूल का सबसे बेहतरीन जरिया है, लेकिन लोगों की अक्सरियत कारोबार करने से डरती है, कहीं कारोबार में नफ़ा की बजाय नुकसान ना हो जाए। ऐसे में हमने आपके लिए पांच ऐसे कारोबार की फहरिस्त तैयार की है जिनमें रिस्क फैक्टर कम से कम है, जबकि प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज़्यादा। ये ऐसे कारोबार्स हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं और जब तक ये दुनिया बाकी है चलते रहेंगे। नंबर पाँच पे है हेल्थ, सेहत। दोस्तों, जान है तो जहान है, ये तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, पांचवें नंबर पे है सेहत है। हर शख्स सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहता है। जब वो बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, जब डॉक्टर टेस्ट लिखता है तो लेबोरेटरी जाता है, और जब डॉक्टर दवाई लिखता है तो मेडिकल स्टोर जाता है, और एहतियात के लिए मास्क खरीदता है, ग्लव्स खरीदता है, सैनिटाइजर खरीदता है। दोस्तों, आप भी अगर लोगों के सेहत के मसाइल हल करना चाहते हैं, ये कारोबार आप भी कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल बना सकते हैं, आप हर्बलिस्ट बन सकते हैं, आप लेबॉरेटरी बना सकते हैं, फार्मेसी बना सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं, ऑनलाइन हेल्थ एडवाइस दे सकते हैं, ऑनलाइन मेडिकल स्टोर बना सकते हैं, सर्जिकल आइटम बनाकर बेच सकते हैं, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स बना सकते हैं, या कहीं से खरीद के आगे बेच सकते हैं। आप फर्स्ट एड बॉक्स बना के बेच सकते हैं, आप फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप एम्बुलेंस सर्विस दे सकते हैं। चौथे नंबर पे है एजुकेशन, तालीम। तालीम हासिल करना हर इंसान की ज़रूरत भी है और फ़र्ज़ भी। इससे इंसानी जहन को शऊर और आगाही मिलती है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। मतलब इल्म के हसूल के लिए आपको दुनिया के किसी कोने में जाना पड़े तो जाओ। जंगे बदर के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुसलमानों को लिखना पढ़ना सिखा दे उसके लिए रिहाई है। आज के दौर में इल्म की ज़रूरत और अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा है। आप लोगों को पढ़ाकर रिस्क कमा सकते हैं। लोगों को तालीम देना नबियों का पेशा है, और आप भी ये पेशा अपना सकते हैं। आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, आप अकेडमी बना सकते हैं, आप ट्यूशन सेंटर बना सकते हैं या ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, आप किताबें लिख सकते हैं या बुक सेंटर बना सकते हैं, या किताबें ऑनलाइन बेच सकते हैं, आप स्टेशनरी प्रोडक्ट बना सकते हैं या कहीं से बनी बनी खरीद के बेच सकते हैं, आप एजुकेशनल कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप मोटिवेशनल ट्रेनर भी बन सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो पेशा है दोस्तों, वो है बिल्डिंग। घर हर इंसान की ज़रूरत है। हर इंसान चाहता है कि उसका अपना घर हो। हर मज़हब में घर की बहुत अहमियत है। मुसलमान मस्जिद बनाते हैं, ईसाई गिरजाघर बनाते हैं, हिंदू मंदिर बनाते हैं। आप भी ये कारोबार कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। आप प्लाट की खरीद फरोख्त कर सकते हैं और कमीशन पर भी दूसरों के प्लाट फरोख्त कर सकते हैं। आप घर बना कर बेच सकते हैं और ठेका पर घर बना सकते हैं। आप रॉ मटेरियल बेच सकते हैं। आप घर या दुकानें बनाकर किराए पर भी दे सकते हैं। आप दूसरों के घर या दुकानें बेचकर या किराए पर देकर उसके एवज कमीशन हासिल कर सकते हैं। आप घरों की इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हैं, और आप पुराने घरों की रीफर्निश भी करके पैसे हासिल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो बिजनेस है वो है क्लास। कोई इंसान नंगा रहना पसंद नहीं करता। हर इंसान को अपने जिस्म को ढांपने के लिए कपड़ों की जरूरत पड़ती है। लिबास इंसान की शख्सियत को भी निखार देता है। हर इवेंट के लिए खवातीन चाहती हैं कि वो नया सूट पहने जो उन्होंने पहले कभी ना पहना हो। फैशन के दिलदादा लोग तो रोज़ाना नया सूट पहनना पसंद करते हैं, इसलिए कपड़ों का कारोबार हमेशा से चल रहा है और चलता रहेगा। आप भी ये कारोबार कर सकते हैं। आप अन सिले कपड़े बेच सकते हैं, आप सिले सिलाए कपड़े भी बेच सकते हैं, आप खवातीन के लिए बुटीक बना सकते हैं, आप बच्चों के कपड़े भी बेच सकते हैं, आप जेंट्स शर्ट और पैंट्स बेच सकते हैं, आप अंडर गारमेंट का कारोबार भी कर सकते हैं, आप बेड शीट्स भी बेच सकते हैं और ब्लैंकेट भी। आप ये कारोबार घर पर भी शुरू कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे जो बिजनेस है वो है फूड का बिजनेस। कोई भी इंसान खाना खाए बगैर नहीं रह सकता। अमीर हो या गरीब, दिन में 2 से 3 मरतबा खाना ज़रूर खाता है। कोई फास्ट फूड खाता है तो कोई देसी खाने, कोई चाइनीज़ पसंद करता है तो कोई मकामी, कोई बिरयानी खाना चाहता है तो कोई पुलाव, कोई बर्गर खाता है तो कोई पिज़्ज़ा। आप भी ये कारोबार करके लोगों को खाना खिला सकते हैं और इसके एवज बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। आप ये कारोबार बहुत छोटे लेवल से शुरू कर सकते हैं। आप देसी खानों का रेस्टोरेंट बना सकते हैं, चाइनीज़ रेस्टोरेंट बना सकते हैं,
پیزا یا برگر بیچ سکتے ہیں، چپس، سموسہ، سوپ، شواما یا دہی بھلے چنا چاٹ بیچ سکتے ہیں۔ آپ مختلف قسم کے جوسز بنا کے سرو کر سکتے ہیں، آپ بیکری بنا سکتے ہیں، آپ آئس کریم بنا سکتے ہیں، آپ چائے یا کافی بیچ سکتے ہیں، آپ باربیکیو بنا سکتے ہیں، آپ پلاؤ یا بریانی بیچ سکتے ہیں، آپ لاہوری چنے یا حلوہ پوری بھی بیچ سکتے ہیں۔ اس کاروبار میں اپنے صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے، اور پھر پیسہ ہی پیسہ۔